हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आप क्या करने वाले हैं, हम आज इस वीडियो में आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया है और 27 मार्च को ही ख़त्म हो गया था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं, उन्हें अपने रिजल्ट का जो है कुछ पता नहीं है, अपना परफॉर्मेंस वो जानते हैं लेकिन क्या रिजल्ट आएगा, कट ऑफ क्या आएगा, कुछ उनको एक्यूरेट नॉलेज नहीं है क्योंकि एसएससी ने ऑफिशियली रिलीज किया नहीं है। तो अभी आपका एक जो समय है वो आप के लिए अच्छा होगा कि अगर आप ये सब जान लें कि आपने जो फॉर्म भरा है उसका जो है फाइनल प्रोसीजर क्या होगा, वो फाइनल सैलरी जो आपको मिलती है वो कितनी मिलेगी, कैसे डिडक्शंस होंगे और कैसे आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे, वो सारे कुछ हम आपको यहाँ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं बिना देरी के हुए कि क्या क्या सिस्टम है और किस हिसाब से आपको जो है आपके ग्रेड पे मिलेंगे, बाकी अलाउंस कैसे मिलेंगे, चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ ऐसे टर्म्स आपको बता दूँ जो हम अभी आपको इस वीडियो में, पूरे वीडियो में काफ़ी बार यूज़ करेंगे। तो इनमें से बहुत सारे टर्म्स आप ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी है जिन्हें नहीं पता है, जैसे पे स्केल क्या होता है, एचआरए क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, सीपीसी क्या होता है। तो ये सब जिन्हें नहीं पता है उन सब के लिए हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल डाल दिया है, तो वो खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं और हम जो है वो आपको शॉर्ट में बताते हुए चलेंगे। पे स्केल क्या होता है, पे स्केल जो है एक ऐसा सिस्टम है जो डिटरमाइन करता है आपकी सैलरी और वेज जो होगा वो क्या होगा जॉब का, और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर वो पे स्केल डिपेंड करता है, उन बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, तो आप वीडियो को पॉज करके उसे पढ़ भी सकते हैं, और क्योंकि उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, तो उनके लिए ये बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। अगले क्वेश्चन, मतलब अगले जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है बेसिक पे। बेसिक पे जो है, बेसिक पे इज द सम ऑफ इनिशियल पे ऑफ एम्प्लॉई एंड ग्रेड पे। तो ग्रेड पे और बेसिक जो एम्प्लॉई का इनिशियल पे होता है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वो फाइनली जो बनता है वो क्या बनता है, बेसिक पे। तीसरा क्या है, सीपीसी फिटमेंट फैक्टर। सीपीसी फिटमेंट फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। तो सेंट्रल पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर इज द मॉडिफिकेशन इन सैलरी मेड आफ्टर अमेंडमेंट इन द सैलरी एंड वेजेस एज पर 7th पे कमीशन। तो ये जो है, जैसे जैसे अमेंडमेंट होते हैं सैलरी वेज में गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है, उस हिसाब से इसमें भी मॉडिफिकेशन होता है और उसे हम जो है सीपीसी फिटमेंट फैक्टर के अंदर देखते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, एचआरए की बात करेंगे। एचआरए क्या है स्टूडेंट्स, एचआरए है हाउस रेंट अलाउंस। तो घर, ये बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, तो जो आप जहाँ पोस्टिंग होती है आपकी, वहाँ पे आपके रहने की सुविधा, घर की सुविधा के लिए एचआरए दिया जाता है। एनपीएस की बात करें, नेशनल पेंशन स्कीम, तो एनपीएस जो है वो एक गवर्नमेंट बैक्ड वॉलेंट्री सेविंग स्कीम है, एक टाइप से ये आप कहते हैं ना कि सेविंग्स होती हैं आपके, और ये जो है फाइनली आपका जो रिटायरमेंट के बाद आपको इस हिसाब से, मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको इसका लाभ मिलता है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सी जी जी आई एस देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये जो है इसका फुल फॉर्म है और ये जो है 1 जनवरी 1982 को फोर्स आया है, तो हम ज़्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, इसके हिस्ट्री में नहीं जाएंगे और इसका जो है फ़ायदा हम देखेंगे। तो पहला तो ये इंश्योरेंस कवर जो है आपकी, आपके परिवार को हेल्प करने के लिए होता है और बाकी सारे रिसोर्सेस आपको मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, लमसम पेमेंट जो आपको पता है, और ये इसके मतलब दोनों जो मैंने आपको बताए ये इसके फ़ायदे हैं। आगे हम बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो आगे हम देखेंगे सी जी या जी एस मैंने देखा और यहाँ आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसके बारे में, और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो पॉज करके। आगे हम देखेंगे सी जी एच एस, जो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो हेल्थ की बात ना हो ऐसे हो नहीं सकता है। तो सी जी एच एस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था 1954 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, तो एक कम्प्रीहेंसिव मेडिकल केयर फैसिलिटी, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं उनके फैमिलीज को या फिर उन्हीं को, जो बेसिकली उनको आप कह सकते हैं, तो सारे गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए आपको इसमें फ़ायदे मिलते हैं। तो आपको हमने यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स बता दिए जो अभी हम क्योंकि डिस्कस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पोस्ट वाइज हमने सैलरी यहाँ पे आपको बताया है, तो आप यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं। तो पहला आप यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, पोस्टल असिस्टेंट की सैलरी। तो पे स्केल क्या है ये मैं आपको, या बेहतर होगा ना कि आप, मैं एक बार जल्दी जल्दी बोलते जाता हूँ, आप सिटी एक्स वाई जेड, तीन टाइप की सिटी होती है, आप चेक कर सकते हैं नेट पे कि कौन सिटी एक्स के अंदर आता है, कौन वाई के अंदर आता है, कौन जेड के अंदर आता है, और मैं आपको बताते चलूँगा कि पे स्केल कितना है। तो मैं एक्स का, जैसे मैं किसी एक का बताता हूँ, एक्स का बताता हूँ और वाई जेड का, जो वाई जेड से बिलोंग करते हैं। आप पॉज करिए वीडियो, पहले चेक करिए कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं या आपने जहाँ के लिए भरी है जो पोस्ट के लिए, तो वहाँ वो किस सिटी से बिलोंग करता है, तो वो आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ देखने में जो और आसानी होगी। पे स्केल की बात करें, एक्स के लिए 5200 से 20200 है, ग्रेड पे 2400, बेसिक पे 9910, सीपीसी फिटमेंट फैक्टर 25468.7, हाउस रेंट अलाउंस 6112, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी एक होता है जो आपको यात्रा के लिए मिलती है, ग्रॉस पे आपका जो टोटल होगा वो होगा वो 35181। तो ये आपका टोटल नहीं होगा, इसमें सभी डिडक्शंस होने बाकी हैं, तो डिडक्शंस कैसे होंगे, तो अभी मैंने स्क्रीन जो है
वो चेंज कर दिया स्लाइड, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना, आप वीडियो को पॉज करें और आप बेहतर तरीके से इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रुकेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा बाकी सारे स्टूडेंट्स का, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्शन आपको दिखाएंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव है, हम आपको स्लाइड दिखाते आते हैं और हम जिस पे बात करेंगे वो फाइनल बात करेंगे हम नेट सैलरी की। तो जो आपका ग्रॉस पे आएगा उसमें से जब डिडक्शंस माइनस कर दिए जाएंगे, जो आपका एनपीएस है, सीजीजीआईएस है, सीजीएचएस है, जिसका हमने वीडियो के पहले शुरुआत में बताई, तो वो सब जब घटा देंगे तो आपका नेट सैलरी आएगा 32,565.188। तो ये किस पोस्ट के लिए है? ये है जो पोस्टल असिस्टेंट सैलरी, पोस्टल असिस्टेंट की जिनकी जॉब लगती है उनके लिए है। बात करेंगे हम लोअर डिवीज़न क्लर्क सैलरी के, एलडीसी जो होता है, जूनियर या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जीएसए जो होता है, तो पे स्केल आप यहाँ देख सकते हैं 5200 से 20200, और ये मतलब लगभग उसी के समान है। ग्रेड पे 1900, बेसिक पे 7100, सीपीसी ट्रीटमेंट फैक्टर आप देख सकते हैं, एचआरए देख सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख सकते हैं, ग्रॉस पे देख सकते हैं। ग्रॉस पे कितना आता है? 23,976.28। इसमें कोई भी आपका जो है एक्सक्लूडेड नहीं है, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रॉस पे आपका आया था 23,976.28, लेकिन जो आपका फाइनल पे आएगा वो 21,641 आएगा, इसलिए क्योंकि आपके डिडक्शंस हुए हैं एनपीएस, सीजीजीआईएस और सीजीएचएस, ये तीन टाइप के डिडक्शन होंगे और ये आपके ही फायदे के लिए, रिटायरमेंट के बाद आपको जो फ़ायदा मिलेगा उसके लिए। टोटल डिडक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, जो है 335 रुपये घटाना पड़ेगा और इसका आपका इतना रुपया जो है वो होगा, इतना सैलरी होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें स्टूडेंट्स, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, जो जीपी 2400 लिखा हुआ है, तो इसकी आप बात करें तो पे स्केल उतना ही है, ग्रेड पे 2400 है, 500 ज़्यादा है, बेसिक पे 9910, सीपीसी फिटमेंट फैक्टर आप यहाँ देख सकते हैं, एचआरए देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर यहाँ आप ग्रॉस पे देखिएगा तो ग्रॉस पे इनका है 35,181.188, इतने रुपये हैं। आप पॉज करके पीछे देख सकते थे, लेकिन हम यहाँ बढ़ेंगे, डिडक्शन देखेंगे। डिडक्शन जो है वो 2616 का है सब जोड़ के, और जो आपका फाइनल सैलरी कितना आएगा, फाइनल सैलरी आएगा 32,565.188, तो काफ़ी सैलरी है। तो आप यहाँ देखेंगे ग्रेड पे ऑफ डी ओ अदर देन सी एंड ए जी हैज़ बिन रिवाइज फ्रॉम 1900, मतलब ये जो है 1924 कर दिया गया है, पहले 1900 था, अब इसका जो है वो 2400 कर दिया। सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट कलर, माफ़ कीजिएगा, हम देख रहे थे सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट कलर, तो हम पे स्केल देख सकते हैं उतना ही है, ग्रेड पे 1900 है, बेसिक पे 7100, सीपीसी फिटमेंट फैक्टर आप देख सकते हैं, चारे देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख सकते हैं, और ग्रॉस पे कितना है, ग्रॉस पे है 23,976.28। अगर हम स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखें तो आपको यहाँ दिखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं और दिखाते हैं हम आपको कि ये जो है आपका टोटल डिडक्शन वो कितना है, 2335 है, और टोटल डिडक्शन मतलब इतने रुपये आप में से घट जाएंगे, ये जो हम अभी बात कर रहे थे उनके बारे में है, और फाइनल जो आपका है कितना आएगा 21,641.28। तो इतने रुपए हैं आपको, आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी और सारे पोस्ट वाइज आपको हम सैलरी बताए, तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो में खास बात यह रही कि मैंने आपको ऑलरेडी सारे जो स्टूडेंट्स नहीं भी जानते थे काफ़ी टर्म्स, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं यहाँ, तो जो नहीं जानते थे उन्हें मैंने पहले उस बारे में बता दी, तो आपको समझने में आसानी हुई होगी। और मैंने आपको ये भी पहले ही बता दिया कि आप सी टी एक्स वाई जेड का डिफरेंट होता है, तो मैंने एक्स का पूरा बताया, आप वाई जेड का आप खुद भी देख सकते हैं जो वाई जेड से बिलोंग करते हैं। तो आप उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और अपना सी टी जो है सर्च किया होगा कि किस ग्रुप किस कैटेगरी के अंदर आता है, उसके बाद आपने जो वीडियो देखी होगी, तो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, तो लाइक कर दिया आप वीडियो अगर पसंद आया हो तो, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए अभी ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो गया है, तो अब काफ़ी दूसरी चीज़ें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कट ऑफ के बारे में मैंने बात की थी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है कि आपने देखा होगा जो फाइनल रिजल्ट्स आए थे, और देखिएगा कि आपका टॉप भी उसी के अराउंड आएगा। तो तैयार रहिए आप लोग और पेशेंस से आप इंतजार करिए रिजल्ट का, डेफिनेटली आपका जो है अगर एग्ज़ाम अच्छा गया था तो रिजल्ट भी अच्छा जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक चलते हैं और कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे अगले वीडियो में और कुछ जानकारियाँ लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।